नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल ईगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, पर अगर सॉल्यूशन पहले से एग्जिस्ट है और वहां पर वो है तो आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? ये सवाल आज आप इस वीडियो के अंत में अपने आप से जरूर पूछेंगे जब इस पूरे कंक्लूजन पे मैं पहुंच जाऊंगा कि आज के वीडियो का कंटेंट क्या है। देखिए दोस्तों, अन्याय का तरीका कुछ और है, वो इलीगल है, इसलिए अगर उसका आप विरोध कर रहे हैं तो वो लीगल है और आप मजबूती से अपने केस के अंदर धुआंधार तरीके से निकल के आ सकते हैं। तरीका सिर्फ आना चाहिए समझ में, जो कि हर बार मैं अपने वीडियोस में देने की कोशिश करता हूं, आज भी दूंगा। इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, इसीलिए कहते हैं एजुकेटेड होइए। एजुकेशन आपको हर लड़ाई से लड़ने में आसानी देती है, तसल्ली देती है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमारे कोर्सेज ने ऐसा ही एक विकल्प तैयार किया है। काफ़ी लोग इन केसेस के थ्रू अपने आप को अब जल्दी से जल्दी निकाल पाए हैं। ये कोर्सेज इतने इफ़ेक्टिव हैं और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इन कोर्सेज में जिन्होंने रिसेंटली भी ज्वाइन किया है वो अब मजबूती से अपने केस में पकड़ बनाए हुए हैं, सामने वाली पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं। आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मेरा वीडियो देखते वक्त सोच रहे हैं कि आपको मुझसे कोई कानूनी सलाह लेनी है तो उसके लिए मैं उपलब्ध हूं। आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट मिलेगा और फिर आपसे बात हो पाएगी। 498A, जैसे ही इसका दिमाग में कोई बात आती है तो सबसे पहला खौफ ये आता है कि क्या इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में कोई खलबली मच सकती है, कोई तकलीफ आ सकती है। तो हाँ, मैं कहूँगा बिल्कुल आ सकती है, पर तब तक जब तक आपको नॉलेज नहीं है। वरना अगर झूठा 498A लगा है तो फिर आपको सिर्फ सामने वाली पार्टी पर हावी होना है। इसी का एक विकल्प आज का ये विषय है। जजमेंट के साथ है तो पहले थोड़ा सा जजमेंट के बारे में बता देता हूँ। मैं समराइज वे में ही बताऊँगा क्योंकि आपके लिए सिर्फ उसका क्रक्स जानना ज़रूरी है कि जजमेंट के अंदर निर्णय जिस आधार पर हुआ वो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड क्या था जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। देखिए, पति पत्नी थे, दोनों में हर पति पत्नी में झगड़ा होता है, ज़्यादातर इसी तरह की ईगो क्लैशिंग में पत्नी अपने पति को छोड़कर जा चुकी थी, स्त्री धन का भी उनका सेटलमेंट हो चुका था। इसी बीच पति ने 7 साल पहले डाइवोर्स का केस डाल दिया था। 7 साल से डाइवोर्स चल रहा था, उसके बाद पत्नी को लगा कि अब मैं क्या करूं, पति को किस तरह से परेशान करूं, तो उसके दिमाग में ख्याल आया और उसने 498A अपने पति पर लगा दिया और ससुराल वालों पे, उसके बाकी भाई बंद जो उसके साथ नहीं भी रहते थे उन पे भी लगा दिया। इस सारी प्रक्रिया में जब ये कोर्ट केस लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम तक कोर्ट तक पहुंचा तो इसके अंदर जो ग्राउंड लिया गया वो ये था कि डिले टैक्टिस जो है, इतना टाइम बाद अगर केस डाला गया है तो वो टाइम बाउंड है। मैं पहले थोड़ा 498A की डेफिनेशन के आधार पर आपको टाइम बाउंडेशन समझाता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जितनी सज़ा है उसी के हिसाब से उतनी ही ड्यूरेशन मिलती है कि निर्धारित सज़ा की ड्यूरेशन के अंदर अंदर के समय के अंदर अगर आप कोई भी कार्रवाई कर लेते हैं तो वो जो कानून है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। जैसे कि आपका 498A है, अगर इसके अंदर साबित हो जाता है तो 3 साल की सज़ा का प्रावधान है जेल का। तो इसी तरह से इसके अंदर केस फाइल करने का भी राइट आपको 3 साल के अंदर अंदर ही मिलता है, उसके बाद अगर आप करते हैं तो कोर्ट इसकी मान्यता नहीं देता। यही केस मजबूती से आपको समझा सकेगा, जो सुप्रीम कोर्ट जो है उनके डिसीजन में यही चीज़ जोड़ी गई कि इतने टाइम बाद जो भी डाला गया है वो आफ्टर इफेक्ट है, यानी कि अब ये जो है एक तरीके से बाद में अपने केस में फ़ायदा लेने का तरीका है, क्योंकि पत्नी का जो डाइवोर्स है वो करीब करीब तय था अपने पति से कि अब वो इस केस से कोई फ़ायदा नहीं ले सकती, क्योंकि पति ये पूरी तरह से साबित करने में सक्षम रहे थे कि भाई इतने टाइम से दूर रह रही है तो मुझे अलग होना है। तो पत्नी ने सोचा कि जाते जाते भागते भूत की लंगोटी खुल रहे हैं, तो इसलिए 498A लगा दिया गया। तो दोस्तों, टाइम बाउंडेशन एक ऐसी चीज़ है, आपके केसेस में जाके देखिए। मैं तो ये कहता हूँ कि 1.5-2 साल बाद भी पत्नी ने केस डाला है तो भी आप कोर्ट को इस बात पे कंसिडर करवा सकते हैं कि ये भी क्यों किया। ऐसा नहीं है कि 3 साल की सज़ा का प्रावधान 498A में है तो फिर वो 3 साल के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि 498A में एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है कंटिन्यूस ऑफेंस ऑफ क्राइम।
वो लगातार होने वाली सतत प्रक्रिया मानते हैं, यानी इसमें लगातार आपके साथ क्राइम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन हुआ और उसके बारे में जाकर बोल दिया या फिर काफ़ी टाइम बाद आप उठकर आ रहे हैं। वो प्रक्रिया लगातार होती रहनी चाहिए और उसके चलते चलते ही आपने केस डाल दिया, तब ये चीज़ है। यानी कि किसी तरह की डिमांड के लिए की गई क्रूरता की लगातार होती गई हिंसा या क्रूरता आपके साथ हो रही है, अगर आप पत्नी हैं तो आपने अगर एक साल डेढ़ साल का गैप लिया तो वो कंडीशन वहाँ फुलफिल नहीं हो पा रही, क्योंकि आपके साथ लगातार क्रूरता होने जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। और उसके बाद अगर जा रहे हैं तो क्रूरता के लिए कोई भी आदमी दो साल बाद रिएक्ट नहीं करेगा, पहले पति से अलग रह जाएगा वो करेगा। तो ये इस पूरे मैटर को समझने की चीज़ है। इसलिए अगर आप तीन साल वाली बाउंडेशन में भी नहीं है, अगर आपके डेढ़ दो साल बाद भी केस लगाया गया है, तो ये इफेक्टिवली कंटिन्यूस ऑफेंस ऑफ क्राइम का जो ऑप्शन मिलता है आपको 498A में, उस आधार पे भी लगा सकते हैं। जजमेंट का हिस्सा नहीं है, मैंने एक एक्स्ट्रा बोनस आपको नॉलेज दी है। दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा कि 498A में अब आपका अगला कदम क्या है, ये जजमेंट पढ़ लेने के बाद और ये वीडियो देख लेने के बाद। थैंक यू।